तारु दत्त इंडियन ऑथर हर वर्क्स आर असीफ ग्लीन इन फ्रेंच फेयर्स 1876 बियांका आर द स्पेनिश मेडन 1878 ली जॉनर डी मेडमोइसेल्स डी एर्वर्स डिडियर पेरिस 1879 एशियन बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882। नमस्कार, वेलकम टू द इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। दिस वीडियो इज ऑन तारु दत्त। लेट अस सी। तारु दत्त 1857 to 1877। Before going in details about तारु दत्त, please video को like और share करें। Do not forget to subscribe this channel. तारु दत्त was an Indian Bengali translator and poet from British India. Wrote in English and French. She is among the founding figures of Indo-Anglican literature alongside Henry DeRosio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu. तारु दत्त कौन है? सी इज इंडियन बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोएट है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम इनका है। इन्होंने क्या किया है? इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है और ट्रांसलेट का भी काम किया है। इनके बारे में जाना जाता है कि सी इज द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर अलॉन्ग साइड हेनरी डिरोजियो, मनमोहन घोष और सरोजनी नायडू। तो ये हेनरी डिरोजियो, मनमोहन घोष और सरोजनी नायडू के साथ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर की फाउंडर मानी जाती हैं। इनकी डेथ बहुत कम एज में हो जाती है, 21 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। हर पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉनलीनेस, लॉन्गिंग, पेट्रियोटिज्म एंड नोस्टाल्जिया। इनके पोएम्स के जो थीम्स हैं वो लॉनलीनेस होते हैं, लॉन्गिंग होते हैं, पेट्रियोटिज्म और नॉस्टैल्जिया, यही इनके पोएम्स में थीम्स देखने को मिलता है। सी वाज अ नेचुरल लिंग्विस्ट और इनके बारे में कहा जाता है कि वो नेचुरल लिंग्विस्ट हैं, बिकॉज इनको ऑलरेडी ये बंगाली हैं तो बंगाली ऑब्वियसली इनको आती थी और इंग्लिश फ्रेंच में ये लिखा करती थी। लेटर ऑन इनको संस्कृत का भी नॉलेज हो गया था, तो इन्होंने संस्कृत से भी कुछ ट्रांसलेशन किए थे। She has shown remarkable mastery of the sonnet form. There are nearly 40 sonnets in the Sif and 2 in ancient ballads. इनको सोनेट्स के फॉर्म में मास्टरी थी, मींस सोनेट फॉर्म में ये एक्सपर्ट थी और इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें 40 सोनेट्स नियरली इन्होंने लिखे हैं। इनका जो सीफ वाला कलेक्शन है पोएम का, उसमें टोटल इन्होंने 40 सोनेट्स लिखे हैं और जो एशियंट बैलेट्स वाला कलेक्शन है उसमें 2 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। तो याद रखेंगे सीफ वाले कलेक्शन में टोटल कितने सोनेट्स हैं इनके? अबाउट 40 सोनेट्स। और एशियंट बैलेट्स वाले में 2 सोनेट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस पोएट्री के किस जॉनर को लिखने में ये एक्सपर्ट थी? तो सोनेट को लिखने में एक्सपर्ट थी, ये याद रखेंगे। तारु दत्त इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएट्स टू राइट इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। तारु दत्त को ऐसा माना जाता है कि सी इज द फर्स्ट इंडियन पोएट्रेस जिन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश में लिखा। बियांका आर द यंग स्पेनिश मेडन अनफिनिश्ड इन इंग्लिश एंड ली जॉनर डी मेडमोइसेल्स डी एर्वर्स इन फ्रेंच आर टू नॉवेल्स ऑफ दत्त बेस्ड ऑन नॉन इंडियन प्रोटागोनिस्ट। तो ये दोनों, इनके दो नॉवेल्स हैं। एक नॉवेल है बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन, ये अनफिनिश्ड नॉवेल है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इनका जो सेकेंड नॉवेल है ली जॉनर डी मेडमोइसेल्स डी एर्वर्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो ये दोनों ही नॉवेल इनके बेस्ट है नॉन इंडियन प्रोटागोनिस्ट पर, मींस इन दोनों नॉवेल में इनके जो प्रोटागोनिस्ट है वो नॉन इंडियन है। हर पोएट्री अपीयर्स अ सीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। तो इनके पोएट्री का कलेक्शन है अ सीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स consisting of translations into English of French poetry. इसमें क्या किया इन्होंने? French poetry का English में translation किया है, Asif gleaned in French fields में. And ancient ballads and legends of Hindustan translation in adaptation from Sanskrit. और इनका जो second collection है ancient ballads and legends of Hindustan, इसमें इन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन का काम किया है। तो याद रखेंगे असीफ ग्लीन इन फ्रेंच वर्ड्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और एशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। असीफ ग्लीन
1876 published without preface or introduction, contains 165 poems, French translation, and composed by her, Amon Pere, and 8 poems translated by her sister Arudat. इनका जो पोएम का कलेक्शन है सीफ ग्लिंट 1876 का, ये बिना प्रीफेस और इंट्रोडक्शन के पब्लिश्ड होता है. तो याद रखेंगे असीफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड कब पब्लिश्ड होता है, 1876 में, और इसमें ना प्रीफेस होता है ना इंट्रोडक्शन होता है. टोटल कितनी पोएम्स इसमें है, 165 पोएम्स हैं और सभी फ्रेंच ट्रांसलेशन है. सिर्फ एक पोएम जिसका टाइटल है ए मोन पेरे, ये तारुदत्त का अपना लिखा हुआ पोएम है. और इसमें जितने भी ट्रांसलेशन का काम है तारुदत्त ने किया है, और इसमें टोटल 8 पोएम्स को किसने ट्रांसलेट किया है, इनके सिस्टर आरुदत्त ने. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने पोएम्स थे, 165 पोएम्स थे फ्रेंच ट्रांसलेशन में थे, और एक पोएम एमोन पेरे ये जो है ये उनका अपना कंपोजिशन था तारुदत्त का, और इसमें जो 8 पोएम्स थे उसको इनके सिस्टर आरुदत्त ने ट्रांसलेट किया था. Edmund Gosse wrote an introductory memoir for ancient ballads and legends of Hindustan. देखिए, ancient ballads and legends of Hindustan जब published होता है 1882 में, तो इनके death के बाद published होता है, और वो भी इनके father के द्वारा. तो उसमें उस ये जो collection है ancient ballads and legends of Hindustan, इसके लिए Edmund Gosse क्या करते हैं, memoir write करते. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारुदत्त के एशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान कलेक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी मेमोर कौन राइट करता है, तो एडमंड गोस. इस कलेक्शन में कौन कौन से कुछ पोएम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स देख लेते हैं. अ सी ऑफ फॉलेस, द लोटस, सीता और कोजरीना ट्री. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है ये शामिल है एशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान कलेक्शन में. Included in high school curriculum. तो जो our Kozrina tree है, ये हमारे जो high school के curriculum है उसमें देखने को मिलता है. और जो Kozrina tree है ये symbolize करता है इनके childhood को, because she was recalling here her childhood through this tree, Kozrina tree. Although a convert to Christianity, Tarudat had imbibed the Asian spirit and lore of India. वैसे तो तारुदत्त क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी, बट इंडिया के जो एशियंट स्पिरिट और लोर है उनसे इनका बहुत कनेक्शन रहा है. इनके बैलेट्स में आप एशियंट इंडियन कैरेक्टर्स देखेंगे. कौन कौन से एशियंट इंडियन कैरेक्टर्स इनके बैलेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, सावित्री, लक्ष्मण, किंग भरत, ध्रुव, बुट्टो, सिंधु, प्रहलाद, उमा. तो ये सारे एशियंट इंडियन कैरेक्टर्स जो है आपको तारुदत्त के बैलेट्स में देखने को मिल सकता है इनके कैरेक्टर के रूप में. तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बावजूद भी इन्होंने जो अपनी कल्चर है उसे नहीं छोड़ा है, वो कनेक्टेड रही है अपने कंट्री से, अपने कल्चर से. कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन उनके वर्क से देख लेते हैं. द बैलेट ऑफ सावित्री से ये कोटेशन लिया गया है. चार्म वाज दिस अपॉन हर फेस, चाइल्ड लाइक एंड इनोसेंट एंड फियर नो मैन विद thought impure or base could ever look the glory dear abyss the boldest. तो ये कहाँ से लिया गया है, सावित्री बैलेट से लिया गया है तारुदत्त के. A sea of follies girds our garden round, but not the sea of dull unvaried green, sharp contrast of all colors here are seen, the last green graceful tamarinds abound. तो ये जो quotation है ये कहाँ से लिया गया है, उस पोएम का टाइटल है अ सी ऑफ फॉलीज. सावित्री से और कोटेशन है देख लीजिए. लव एट फर्स्ट राइट एज पोएट सिंग, इज देयर नो फिक्शन, हेवन एवो इज विटनेस दैट द हार्ट इट्स किंग, फाइंड ऑफन लाइक अ लाइटनिंग फ्लैश. तो ये सावित्री बैलेट से ही लिया गया है. लव एट फर्स्ट राइट एज पोएट सिंग, इज देयर नो फिक्शन, हेवन एवो इज विटनेस. तो याद रखेंगे, आई नो दैट इन दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड ऑल इज डिल्यूजन नथिंग ट्रू, आई नो इट्स शैडोज आर मिस्ट अनफोल्ड
टू प्लीज एंड वैनिश। तो ये भी सावित्री बैलेट से ही लिया गया है, कुछ अच्छे से कोटेशन से। नेक्स्ट जो कोटेशन है, डियर इज द कॉजरीना टू माई सोल, बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो इयर्स में रोल ओ स्वीट कंपेनियंस। तो ये आवर कॉजरीना ट्री से लिया गया है, जिसमें ये बताती हैं कि जो कॉजरीना ट्री है इनके सोल के लिए बहुत ही डियर रहा है, बिकॉज इसके नीचे इन्होंने कई साल खेले हैं, मतलब बचपन के टाइम बिताए हैं, और बचपन में ये कॉजरीना ट्री जो था इनका स्वीट कंपेनियन था। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।